<clears throat> Assalamu alaikum and a very good morning to all of my students who are watching my YouTube channel, Engineer Faisal Gulzar. So, dear students, in our previous class of lectures, we are talking about dual nature of 12th class, dual nature of matter and radiation.

फोटोकरंट फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है बच्चों, चलिए हेडिंग बनाइए स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड करंट इंपॉर्टेंट है इसी को आगे लेके चलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी बच्चों चलिए फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल लेट्स हैव अ लुक अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ठीक है जब हमारे पास लाइट आती है किसी भी मेटल सरफेस पे लेट्स है उसको मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कराता कर, करूंगा रिमाइंड करूंगा आपको कि बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी तो शॉर्ट शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो प्रीवियस क्लास का लेक्चर था उसमें हमने बच्चों एक आ, मेटल सरफेस लिया था उस मेटल सरफेस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे हां बच्चों याद है ना सब कुछ क्या होते थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब हम इस मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट डालते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक लाइट है E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी से ये फोटॉन्स आते हैं पैकेट्स में जो ये फोटॉन्स आते हैं ये फोटॉन्स जब हम इस मेटल सरफेस पे गिराते हैं जब इंसिडेंट होते हैं तो क्या होता था कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते थे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते थे और मैंने आपको बोला था कि बेसिकली जो हमारे पास फोटॉन की जो एनर्जी है उस फोटान की जो एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए E इज इक्वल टू एच जैसी एनर्जी होनी चाहिए ठीक है और E इज इक्वल टू एच एफ बोलो या एच न्यू बोलो तो वो एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए इज इक्वल टू एच एफ यानी जितनी इस इंसिडेंट लाइट uh, की इंसिडेंट रे की इंसिडेंट लाइट की जो बच्चों हमारे पास एनर्जी होगी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है बच्चों इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी और इसी को दूसरे लफ्ज में क्या लिखा था हमने इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा यानी लेस इज द एनर्जी वाई सी वर्स ऑफ प्रपोर्शन है इनका ठीक है बच्चों अच्छा तो जब हम इस मेटल सरफेस पर इज इक्वल टू एच एफ कुछ एनर्जी तो यहां पर एक टर्म आई थी वर्क फंक्शन और उस वर्क फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया था फाइव से तो नॉट से भी और इसको हम मेजर करते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम मेजर करते थे तो कब निकलेगा जब इस इंसिडेंट की एनर्जी इक्वल एच जो सफिशेंटली अमाउंट ऑफ एनर्जी और जो वर्क फंक्शन के बराबर होगा वर्क फंक्शन होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी सो द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड आउट तो अगर ये वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा है तब पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की और इसी को हमने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो यानी लाइट गिरा दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट गिरा दो तो जब लाइट गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले फोटो फोटॉन डालो तो निकलेगी निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है बच्चों अच्छा अब यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो अगर हमने यहां से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा वर्क फंक्शन में इसको बाहर निकलने में तो जो रेस्ट ऑफ द एमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी वो इस इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी और मैंने बोला था वो जो एनर्जी होती है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और ये बाहर विथ सम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलेगा काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर आएगा अब किसी का अगर थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन होगा तो वो थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेन में से माइनस हो जाएगा तो सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी काइनेटिक एनर्जी से यह बाहर आएगा ठीक है अब देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला था तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो वो बराबर होगी एनर्जी जो फोटॉन के पास एनर्जी है उस एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो फाइन ऑट को माइनस कर दो तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन है किस एनर्जी से ये दौड़ेगा ये दौड़ेगा जितनी फोटॉन के पास एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी से बच्चों बाहर निकलेगा ठीक है और इसी एनर्जी को हम दूसरे लफ्जों में क्या लिख सकते थे और इसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हमने लिखा था ई e. E के बदले हम क्या लिख सकते हैं एच एफ एच एफ माइनस एच एफ माइनस और इसी को क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम बच्चों लिख सकते हैं कि एच एफ एफ के बदले क्या लिखेंगे C lambda, तो ये बनेगा, constant, C ये बनेगा मैं आपको पिछले क्लास में भी बोला हूं और मैं फिर से आपको बोलूंगा ये तीन इक्वेशंस को हम बोलते हैं आइंसटाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ठीक है इन तीनों को हम बोलते हैं आइंसटाइंस आइंसटाइंस इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो ये आपको याद रखने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये तीन इक्वेशन यहां तक हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं ठीक है बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेसिकली जो हमारे जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास क्या है वो टॉपिक है हमारे पास करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल लेट्स अ हाँ लुक फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल चलिए इस फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले वे हैव एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या रिक्वायरमेंट ही कैसे मैं आपको समझाऊंगा इस फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है आप ध्यान से देखिए इसमें हमारे पास क्या होता था इसमें हमारे पास मेटल <coughs> प्लेट्स होते हैं और हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर होता है तो हमारे पास इसको मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बनाने की कोशिश करूंगा चलिए ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इन ऑर्डर टू डिफाइन बेसिकली फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है बच्चों? ये हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर है ये हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर है वैक्यूम चैम्बर और इस वैक्यूम चैम्बर में यहां पर हम एक विंडो क्रिएट करेंगे ऐसे ये विंडो क्रिएट करने से क्या होगा हम क्यों विंडो को क्रिएट करेंगे ताकि जो हम लाइट इस पर डालेंगे वो यहां से अंदर आएगी और यहां पर दो मेटल के प्लेट्स हैं हमारे पास ठीक है मेटल के प्लेट्स हैं और एक मेटल का प्लेट ये यहां पर हमारे पास रहेगा कैथोड और कैथोड या आप इसको इमिटर भी बोल सकते हैं बच्चों इमिटर और दूसरा इसी के साथ यहां पर जो है इसको बोलेंगे एनोड और कलेक्टर भी बोल सकते हैं मेटल चैम्बर लिया इसके दो साइड में दो मेटल प्लेट्स हमने लगा दिए एक मेटल का कैथोड या इमिटर बोल दो ठीक है दूसरे को कलेक्टर बोल दो ठीक है और हमने इसको यहां से एक पोटेंशियल एक बैटरी लगा दी है इसको आप बैटरी भी बोल सकते हो और साथ साथ में एक वेरिएबल इसको आप रिहोस्टेट रिहोस्टेट बैटरी जो है और बैटरी हमारे पास है यहां ठीक है और यहां पर इसको मेजर करने के लिए करंट मेजर करने के लिए हम एक एम्पियर मीटर यहां पर हम इसको कनेक्ट करेंगे ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या किया हमने हमने एक वैक्यूम चैम्बर बनाया इस वैक्यूम चैम्बर में एक साइड में एक मेटल प्लेट जो है हमारे पास एक मेटल प्लेट कैथोड इसको आप इमिटर भी बोल सकते हो कैथोड इसको आप इमिटर भी बोल सकते हो ठीक है और दूसरे साइड में एनोड इसको आप कलेक्टर भी बोल सकते हो तो वैक्यूम चैम्बर दोनों साइड में इन दोनों मेटल प्लेट से हमने एक बैटरी लगा दी और यहां से एक एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर दिया ठीक है अब ध्यान से देखिए मेटल सरफेस अभी हम मेटल की बात करते थे अब हम क्या करेंगे इस मेटल सरफेस को यहां से हमने जो एक विंडो रखी है यहां एक विंडो से हम इस पर फोटॉन्स यानी लाइट डालेंगे तो लाइट का मतलब है इस पर हमने फोटॉन्स डाले हैं और उन फोटॉन्स के पास एक एनर्जी होगी उस एनर्जी से ये मेटल सरफेस पर ऐसे टकराएंगे और जब ये मेटल सरफेस से टकराएंगे तो क्या होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं मेटल सरफेस में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेव की जो फोटॉन आएंगे वो इस मेटल सरफेस पर जब पड़ेंगे तो क्या होगा तो मैंने आपको बोला था अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा इस पर हम डालेंगे फोटॉन्स ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच न्यू तो ये अब चूंकि कैथोड है तो यहां से ये माइनस ये नेगेटिव और ये प्लस है तो ये पॉजिटिव वाला प्लेट यहां से है ठीक है अब क्या होगा अब यहां से क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो जब फोटॉन डाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या सीखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या सीखा कि जब इस पर एक लाइट पड़ेगी तो यहां से फोटॉन्स जब टकराएंगे तो इस मेटल सरफेस से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो बाहर की ओर निकलेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ठीक है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ऐसे निकलेंगे ऐसे निकलेंगे ऐसे निकलेंगे ऐसे निकलेंगे ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे ठीक है तो अब इलेक्ट्रॉन्स का चलना मीन्स व्हाट इलेक्ट्रॉन्स का चलना मीन्स करंट का चलना तो करंट अगर माइनस टू प्लस तो करंट पॉजिटिव से पॉजिटिव से माइनस की ओर हो जाएगा तो यहां पर एक करंट चली अब ध्यान से देखिए करंट क्या है ये करंट यहां से निकले इलेक्ट्रॉन्स यहां से कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रहे हैं और यहां से फ्लो होना स्टार्ट होते हैं तो यहां पर एक करंट क्रिएट हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स निकले कैसे ये हमने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोटॉन्स यहां पर हमने लाइट डाली वो लाइट इस मेटल सरफेस से टकराया और यहां से इसने इजेक्ट कर दिया देखिए ये फोटॉन्स जो है फोटॉन्स ऐसे करके इस पर निकलते हैं ये ये पड़ते हैं ऐसे करके फोटॉन्स ऐसे पड़ गए तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके निकलने स्टार्ट हो गए यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके निकलने स्टार्ट हो गए द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव हुए इनसे एक करंट बनी एक करंट बनी लेकिन वो करंट कैसे बनी जब हमने इसके ऊपर फोटॉन्स डाले तो फोटॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले तो उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इनसे जो करंट बनती है उसको बोलते हैं करंट क्या बोलते हैं बच्चों फोटो करंट तो क्या बनती है द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स द करंट करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकली है इमिटेड बाय कैथोड इमिटेड बाय कैथोड इमिटेड बाई कैथोड कैथोड से निकलेंगे ना ये कैथोड है ना ये फोटो ने इस पर कैथोड पर डाली तो इमिटेड बाई कैथोड तो ब्रेकेट में क्या लिखेंगे इमिटेड बाई कैथोड इमिटेड बाई कैथोड इमिटेड बाई कैथोड इज कॉल्ड फोटो करेंट इज कॉल्ड ज कॉल्ड फोटो करंट चलिए द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड इज कॉल्ड करंट और अगर आपको याद होगा हमारे पास आई जो होता है करंट वो होता है क्यू बाई टी और क्यू होता है एन ई बाई टी ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा होंगे उतना हमारे पास करंट का फ्लो होना यहां पर ज्यादा होगा ठीक है आप ध्यान से देखिए अब मान लो हमने सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पर डाली और यहां से इस जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी की हमने इस पर लाइट डाली मान लो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, निकले। मान लो एक इलेक्ट्रॉन कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके यहां पर आ गया काइनेटिक एनर्जी लेके यहां पर आ गया और दूसरा भी आ गया लेकिन अब क्या होता है कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ होते हैं जमा होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अब यहां एनर्जी आती है तो ये यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जमा हो गए और आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है तो यहां से और एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसको आगे चलने नहीं देता है जाम लग जाता है झुंड बन जाता है तो इसको आगे चलने नहीं देता है क्योंकि इनके दरमियान इसको धक्का पीछे देता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव तो दोनों का रिपल्शन होगा तो ये पीछे आ जाएगा ठीक है तो यहां पर जो एक डेवलप हो जाता है इनके दरमियान इसको बोलते हैं यहां से जब इनका जुड़ यहां पर गुट जाता है सभी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चलते हैं लेकिन सभी नहीं चलेंगे क्योंकि यहां पर डेवलप होता है उसको बोलते हैं स्पेस चार्ज तो यहां पर डेवलप होता है सुपेस चार्ज ये स्पेस चार्ज क्या होता है देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो दौड़ के चले जाते हैं इधर दौड़ के चले जाते हैं इधर लेकिन सबके पास तो सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे लेकिन किसी के पास तो वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो वो तो नहीं दौड़ेंगे ना क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वर्क फंक्शन है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जिसका छह इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन होगा वो तो चार से ही इधर आएगा ना तो उसके पास तो एनर्जी कम होगी तो क्या होगा वो ये यह यहां पर अब ये आगे है ये पीछे है दो इलेक्ट्रॉन जब आगे पीछे होंगे ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन और यहां पर डेवलप होता है स्पेस चार्ज तो ये एक दूसरे के स्पेस जो होती है इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज जब एक जुड़ होके बैठते हैं ठीक है द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन तो ये स्पेस चार्ज क्या है ये स्पेस चार्ज है द नेगेटिव चार्ज द नेगेटिव चार्ज द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन किस रीजन में है बिटवीन एनोड एंड कैथोड इन द रीजन ड्यू टू बिटवीन एनोड एंड कैथोड बिटवीन एनोड एंड कैथोड के दरमियान एनोड एंड कैथोड के दरमियान स्पेस चार्ज जो है द नेगेटिव चार्ज यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है इन द रीजन बिटवीन एनोड एंड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब इस चीज को क्या करेंगे जब अब ये आगे नहीं चलेंगे ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो नेगेटिव चार्ज इन द रीजन बिटवीन एनोड एंड कैथोड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अब हम क्या करेंगे हमें चलाना है टू तो ओवरकम वट वी कैन डू वी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल यहां पर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे जब पॉजिटिव यहां पर इंक्रीज करोगे तो जब हम पॉजिटिव को यहां इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से रन करेंगे इस साइड की ओर टू वरकम इंक्रीज द पोटेंशियल बिटवीन

प्लस को बढ़ा दिया अब हमने ये क्या बोलते हैं इसको पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो जब हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा जब नंबर बढ़ जाएगा तो हमारे पास करंट बढ़ जाएगी ठीक है अब ध्यान से देखिए अब कितने यहां पर निकलेंगे इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिए जब यहां से हमने फोटॉन डाला तो मान लो यहां से दस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे क्या दस से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नहीं होंगे क्योंकि पहले आपने पोटेंशियल बढ़ाया दो इलेक्ट्रॉन पहले निकल गए फिर पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया चार आ गए फिर पोटेंशियल बढ़ाया छह आ गए फिर पोटेंशियल बढ़ाया आठ आ गए फिर पोटेंशियल बढ़ाया दस गए लेकिन यहां से तो इस फोटान की वजह से तो दस ही निकले थे तो पोटेंशियल बढ़ाने से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा सकते जो पहले थे वही है इलेक्ट्रॉन इज नॉट जनरेटेड ऑनली इलेक्ट्रॉन आर एक्सलरेटिंग हम इन इलेक्ट्रॉन को सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं ताकि ये एक्सलरेट करें और ये यह यहां की ओर चलें ऐसे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं उनको यहां पर लाने के लिए वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बट वी आर नॉट इन अ टू जनरेट द नंबर इंक्रीज द नंबर नो जो पहले यहां पर थे उतने ही रहेंगे खाली जितने यहां पर हैं नेगेटिव चार्जेस उनको यहां लाने के लिए हम इसका पोटेंशियल बढ़ा देते हैं ठीक है अब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां निकलेंगे उनकी वजह से जो करंट बनेगी उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं सचुरेशन करंट सेचुरेशन करंट ठीक है बच्चों सेचुरेशन करंट तो सेचुरेशन करंट क्या है